मान लिया तो मोदी जी के अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव जिताया है, चुनाव आयोग ने चुनाव जिताया है। मोदी को तो हम हरा दे, ईमानदारी से आ जाए, आएगा ईमानदारी से। आयोग मैजिक है ये, चुनाव आयोग मैजिक है ये। 15,000 कंप्लेंट के बाद चुनाव आयोग कैसे अंधा था, देख नहीं पाया। मोदी जी का नाम क्यों नहीं लिया गया 5 राज्यों में? कहाँ गया मोदी मैजिक, कहाँ गई वो रैलियाँ? अब आयोग ने पक्षपात किया है, ईवीएम ने पक्षपात किया गया है, चुनाव आयोग पूरी तरह से पिछलग्गू हो गया है भाजपा का। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट या के पास या पावर है कि वह गाइड कर सके, चुनाव आयोग को आदेश सके कि जहां जहां पे धांधली हुई है चुनाव फिर से कराए जाए। हम भाजपा को 24 में नहीं बैठने देंगे। भाजपा को ईडी सीबीआई और तमाम हथियंडे अपनाने पड़ गए तब वो चुनाव जीते हैं। छलका चुनाव था ये, छलका। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों आज जो है 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में जो है सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ पंडित जी है, विजय शर्मा जी है, कांग्रेस के नेता है, संत है, महात्मा है, लगातार कांग्रेस का प्रचार करते हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे आज? मान लिया आज तो मोदी जी के अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव जिताया है। किसको? 15,000 कंप्लेने चुनाव आयोग को लिखित में है। हाँ। खुद इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। हाँ। उस पर बात नहीं की गई। हाँ। और कहीं ना कहीं, हाँ, आपने खुद देखा है, खुलेआम ईवीएम सड़कों पे मिली है, कब्रस्तानों में मिली है, ईडी भी लगाई गई है। तो चुनाव ईडी और चुनाव आयोग का है और किसी का नहीं है। नहीं, ये जो नतीजे आए हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो है आप ईवीएम का ही खेल मानते हैं या फिर लग रहा है लोगों ने वाकई में वोट दिया है? आपकी बार ईवीएम और ईडी दोनों का खेल है। हाँ। और हमने लिखित ज्ञापन दिया है। हाँ। हमने चुनाव अभी वकील साहब को मिलके सुप्रीम कोर्ट जाने का ज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जब राजस्थान में चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के खिलाफ 15,000 कंप्लेन है, राजस्थान में आपके पास 7,000-8,000 कंप्लेन है, तो चुनाव आयोग ने बिना उस कंप्लेन को सॉल्व किए चुनाव कराया कैसे? तो आप क्या चाहते हैं, चुनाव दोबारा हो मध्य प्रदेश राजस्थान? क्यों नहीं हो सकता भाई? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट या के पास या पावर है कि वह गाइड कर सके, चुनाव आयोग को आदेश सके कि जहां जहां पे धांधली हुई है चुनाव फिर से कराया जाए। क्योंकि खुद मामा ने इस बात को कहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, कमलनाथ को रोको, इसका मतलब कि वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी लगाई गई, वहां की पुलिस लगाई गई, ईडी लगाई गई, सीबीआई लगाई गई, बेमतलब के मुद्दे लगाए गए। कन्हैया कुमार वाला मुद्दा राजस्थान में उठाया गया जबकि मारने वाला भाजपा कार्यकर्ता था। तो कहीं ना कहीं आप क्या चाहते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान में दोबारा चुनाव हो? पहली बात तो मैं एक बात और कह दूं, ये कांग्रेस जितने बड़े नेताओं के चमचे काम करते हैं ना, एजी ओजी, उनको हटा देना चाहिए। एक कांग्रेस अपने जो नेता, बड़े नेता जो चमचे पाल के रखते हैं, जिनको बड़ी बड़ी फंडिंग की जाती है, और उसके बाद मैं तो डर गई, रिजल्ट ऐसे ही आता है हमारे पास, तो इनको रोकना चाहिए। तो आप ये क्यों नहीं मान रहे कि भाई हम हार गए, जनता ने वोट नहीं दिया, जनता ने नकार दिया? जनता ने चिरंजीवी योजना को नकार नहीं सकती, जनता का जो पैसा बचाएगा उसको जनता नहीं नकारेगी। जनता ने हमें नहीं नकारा है, चुनाव आयोग ने पक्षपात किया है, ईवीएम ने पक्षपात किया गया है, चुनाव आयोग पूरी तरह से पिछलग्गू हो गया है भाजपा का, और इसके खिलाफ मेरे पास जो सबूत है, आज सुप्रीम कोर्ट में मैं वकील से मिलकर इस पे ज्ञापन दूंगा, दिया हूं, और कहीं ना कहीं मुकदमा होगा। चुनाव आयोग को इस्तीफा के साथ इनको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत धांधली कराई है इस बार। तो आप तो चुनाव आयोग पे, चुनाव आयोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? कई बयान ऐसे आए हैं जहां पे राहुल गांधी मुकदमा हुआ, चुनाव आयोग को अंधा हो गया था। पीएम निधि जब आचार संहिता लागू था तो 5 राज्यों में पीएम निधि कैसे पहुंच गई? उसके बाद जाना चाहिए था। राम मंदिर जो कि यूपी में बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, वो रामलला को लेके आ गए हैं। अब कांग्रेस नहीं जीतने वाली, आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। आप एक काम करिए, हम संगी और मुसंगी नहीं है, और ना ही हम सावरकर हैं कि बुलबुल मुड़ जाएंगे। हम जहाँ थे वहीं हैं, हम 24 में जो हमारी कमियां हैं उस पर हम विवेचना करेंगे, और देखिएगा 24 में राहुल गांधी जीतेंगे। आप नहीं मानते कि हिंदी बेल्ट में जो है कहीं ना कहीं सिरे से नकार दिया कांग्रेस को, और जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो काम किया है बीजेपी के पक्ष में, राम मंदिर तमाम मुद्दे हैं, तो हिंदुओं ने वोट नहीं दिया? कुछ नेताओं ने जो सनातन पे बयान दिया था वो थोड़ा हमें भारी पड़ा है। सनातन पे बयान जो दिया गया वो हम पे भारी पड़ा है, और उसको नहीं देना चाहिए था। हाँ। कांग्रेस के नेताओं को ये बात समझ लेनी होगी कि जनता के मुद्दों से भी जरूरी है और थोड़ा उनका सम्मान भी जरूरी। आप ये बताइए, आपको लग रहा है कि मोदी के सानी कोई नेता नहीं अभी इस देश? अरे मोदी को तो हम हरा दे, ईमानदारी से आ जाए, आएगा ईमानदारी से।
राहुल गांधी तो हरा नहीं पा रहे। राहुल मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, राहुल गांधी को छोड़िए आप, राहुल गांधी का मैं तो कई बार हार चुके हैं, छोड़िए। मैं इतना बोल रहा हूँ आपसे कि वो लड़ रहे हैं पंजाब से, लड़ रहे हैं चुनाव पंजाब से, लड़के दिखाएं मोदी जी। बहुत ज्यादा हो जाए तो आप इधर उत्तर प्रदेश से लड़वा दीजिए, कोई सीट हम दे रहे हैं। अरे अगर देश का चुनाव जीत रहे हैं तो फिर इसमें गली मोहल्ले देश का चुनाव वो नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ मोदी जी का नाम क्यों नहीं लिया गया पांच राज्यों में? कहाँ गया मोदी मैजिक, कहाँ गई वो रैलियाँ? अब यार रैली मोदी मैजिक नहीं दिख रहा, चार राज्यों में से तीन में सरकार बना लिया। तो आप बोलो ना चुनाव मैजिक है, चुनाव आयोग मैजिक है ये। 15,000 कंप्लेंट के बाद चुनाव आयोग कैसे अंधा था देख नहीं पाया? तो आप कह रहे ईवीएम में घोटाला हुआ है? ईवीएम नहीं, पूरे प्रशासनिक तौर पर घोटाला हुआ है। कहीं ना कहीं ये बात कुछ जताना होगा और कुल चूक हमारी भी रह गई है। जैसे कुछ मध्य प्रदेश में पूरा टाई अप कमलनाथ जी ने किया था। 24 का चुनाव मानते कि एक तरफा हो गया? कोई एक तरफा चुनाव नहीं है, मैं मतलब की बात कर दिए हो तुम, एक तरफा चुनाव है का 545 सीटें का 1,00,000 सीट लेके आएंगे मोदी जी, ऐसा नहीं है। चुनाव अभी 24 का फंसा हुआ है। जो चीज़ें अभी राजस्थान में पहुंची है, चिरंजीवी योजना और भी ऐसी चीज़ें हैं, हम उस पर काम करते रहेंगे। जनता आज नहीं कल हमारा साथ जरूर देगी। क्या झटका मानते हैं 24 के चुनाव में? आपको लग रहा है कि लीड बना ली है बीजेपी ने 24 के लिए? बीजेपी ने लीड नहीं, लेकिन थोड़ा झटका हमें लगा कि अगर चुनाव आयोग इसी तरह पक्षपात करता रह जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कभी इस देश से भाजपा जाएगी। और इसीलिए खुद चनचूर ने बात बयान दिया था इस बात पे कि हमें एक ऐसा चुनाव आयोग होना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री भी कोई गलती करे तो उस पर खिलाफ मुकदमा हो, लेकिन ऐसा चुनाव आयोग हमको मिला है जो पिछलग्गू है भाजपा। ठीक है, आप कह रहे चुनाव आयोग खराब है, ईवीएम खराब है, ये तेलंगाना में सब ठीक कैसे हो गया फिर? देखिए छोटे छोटे राज्यों को तो पूछे नहीं है, बड़े राज्यों में सेंध मार दिया इन्होंने। इनका हर बार का नियत यही रहता है, गुजरात में देखिए जीत गए, हिमाचल क्यों हार गए, जवाब दो। अरे जनता ने वोट दिया, तुमने वोट दिया, सरकार खुद ही गिर जा रही है तब जनता ने वोट दे दिया। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़े बड़े जो राज्य हैं उन्होंने कब्जा किया है और बड़े बड़े राज्यों में इन्होंने अपनी पूरी टीम लगाई है। तो क्या ईवीएम को लेकर कोई आंदोलन की तैयारी है देश भर में कुछ इस तरह से है? देखो अभी अभी हमारा मुद्दा ईवीएम नहीं है, अभी हमारा मुद्दा है कि हमारी जो पार्टी हारी है उस पर क्या विचार विमर्श होगा, क्या बड़े नेता बैठेंगे, हमें बड़े नेताओं का। लेकिन हाँ कुछ नेताओं के नाम मेरे पास हैं, अगर पार्टी उस नेताओं पे संज्ञान नहीं लेती है तो मेरा धरना यही है ऐसे के सामने। तो मोदी जी को बधाई तो दे दो यार आज पंडित जी, जनता को बधाई है, जनता के वोट को बधाई है, मोदी जी जीते हैं सर माथे है जनता को, मोदी जी को जनता तो दे दीजिए। मोदी जी को बधाई क्यों दे दे, जनता जीती कि नहीं जीती? जनता ने वोट दिया, जीत गई जनता, बात खत्म। मोदी जी संबोधन करने जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, दुबई के लिए जोश भर रहे हैं आज, दुबई में अस्सलाम वालेकुम करके आए हैं, संबोधन कर देंगे अस्सलाम वालेकुम करके, कर दी कोई दिक्कत नहीं, दुबई घूमे बढ़िया है। बड़ी वजह क्या लग रही है आपको, हिंदुओं ने झटका दे दिया? नहीं नहीं, हिंदुओं झटका नहीं दे दिया, थोड़ा मसला हमारा यहाँ गड़बड़ाता है कि हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, हमको लग रहा है अभी भी नहीं बन पा रहा। ठीक है पंडित जी, एक मेरा सवाल ये है क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जो चुनाव है इसके बाद बीच में हो चुनाव नहीं, अब सीधा लोकसभा है चुनाव होगा, तो उससे पहले राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है, क्या लग रहा है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाएगी और 24 में तो माहौल बन ही जाएगा? देखो ऊपर वाले से बड़ा ना हम है ना आप है, अगर ऊपर वाला 24 या 29 उनको देना चाहता है तो देखते हैं, पर हम अपने कर्म करने में पीछे नहीं हटेंगे, हम भाजपा को 24 में नहीं बैठने देंगे। आप तो मध्य प्रदेश में भी नहीं बैठने दे रहे थे, राजस्थान में भी नहीं बैठने दे रहे थे, छत्तीसगढ़ में तो कह रहे थे, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस मामा का बयान तो खुद था कि अधिकारी डरो कमलनाथ को रोको, ये वहां के मुख्यमंत्री का बयान था, तो डरा कौन था वो दुनिया जानती है। अगर एक मामा प्रधानमंत्री हम जैसे बाल योगी से डर रही है, समझे भाजपा के लिए डरपोक पार्टी है। आपको उम्मीद थी 150 सीटें मध्य प्रदेश में? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से मिला, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती हम फाइनल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जांच होनी चाहिए। हार किसकी है, राहुल गांधी की, कमलनाथ जी की? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की हार है, राहुल गांधी की नहीं। राजस्थान में गहलोत जी की हार है। तेलंगाना में किसकी जीत है? भाई तेलंगाना में वहाँ के जनता की जीत है, राहुल गांधी वहाँ भी नहीं जीते। भाई देखिए मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी, असर पड़ता है कि नहीं राहुल गांधी के जाने से कहीं? असर तो इतना पड़ा है कि भाजपा को ईडी सीबीआई और तमाम हथियंडे अपनाने पड़ गए, तब वो चुनाव जीते हैं। छल का चुनाव था ये, छल का। आपको लग रहा है राहुल गांधी पीएम बनने के लायक है? आपको लगता है मुझे पीएम बनने के लायक है? बने हुए हैं तो है, बने हुए हैं ना, बनने के लायक है। अरे है तभी तो बने हैं। मैं आपसे पूछ, दो बार से अब तीसरी बार, वही बात है कि इंसान और भैंस में अंतर कर रहे हो तुम, मैं मतलब वाली बात, मतलब बीन बजाते सुनना ही देता नहीं है। मणिपुर की बात किया उन्होंने, क्या मणिपुर का एक बीमार नाम लिया?
तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जनता के मुद्दों को भटकाकर कन्हैया कुमार का मुद्दा, धार्मिक मुद्दा ले आकर जो चुनाव जीते हैं, हर बार धर्म नहीं बचाएगा इनको, याद रखिएगा। आने वाले समय धार्मिक मुद्दा आपके साथ काम क्यों नहीं करते भाई? हमारे आपको धर्म से लेना देना नहीं, आप हिंदू नहीं, हमारे हमारे यहाँ के नेता बड़े नेता बन जाते हैं ना, फिर हम लोगों को नहीं भूलने दिया जाता। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ पंडित। मोहतरम नाज़रीन सामईन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि जो है पंडित वो किस तरह से बात करते हैं कि आज कल जैसा कि परसों, यानी कि 4-5 राज्यों में जो वोटिंग हुई है वहाँ किस तरह से सरकार आती है बीजेपी की, अब वहाँ किस तरह से फिर चर्चाएं होने लगती हैं कि धांधलेबाजी हुई है या ईवीएम मशीन के ज़रिए से ही हुआ है। तो इस वीडियो में आपने साफ साफ सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पंडित जी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें भरोसा है कि इलेक्शन जो है, वोटिंग जो है दोबारा की जाए। आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि जिस तरह से जब भी इलेक्शन होते हैं अब ईवीएम को हटाने की हर तरह से कोशिश की जाती है, लेकिन अब सरकार है कि ईवीएम के बग़ैर जो है वो वोटिंग को नहीं चाहती है कि ईवीएम मशीन हटने के बाद हो, बल्कि वो मशीन के ज़रिए से ही ज़्यादातर ये काम हो रहे हैं। और जब ईवीएम के ज़रिए से होता है तो धांधलेबाजी होती है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बहरहाल आप इस वीडियो को देखिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।